बात हो, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती थी कि सर मैं BDS पास आउट हो गया हूं, मैंने PG कर ली है, मुझे दिल्ली के अंदर एक डेंटल क्लिनिक चाहिए जॉब के लिए, ठीक है। तो मैंने एक डेंटल क्लिनिक अभी मेरे पास एक आया है डेंटल क्लिनिक का एड, तो वो डेंटल क्लिनिक बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं सीधा जो मैम ने मुझे भेजा है वहाँ से एड, मतलब अपने डेंटल क्लिनिक का पूरा डिटेल जो मुझे सेंड किया है, वो मैं सीधा इस वीडियो में डाल रहा हूँ। आप पूरा आराम से चेकआउट करो इसको, ठीक है। और इन बिटवीन मुझे नहीं आना है, तो मैं सीधा जिन मैम का वो क्लिनिक है उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उनको कॉल कर सकते हो, ठीक है। उनको अपने डेंटल क्लिनिक के लिए एक बहुत अच्छा डेंटल सर्जन चाहिए, ठीक है। और वो उनके पास दो ऑफ़र हैं, जो उनका सबसे अच्छा ऑफर मुझे लगा वो ये है कि आप उनके क्लिनिक को रेंट पे ले लो, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, पूरी पूरी क्लिनिक ही रेंट पे ले लेनी है, मतलब सारा जितनी भी चेयर्स हैं, जो मशीनरी हैं, एक्सरे हैं, सब कुछ वो प्रोवाइड कर रही हैं। क्या क्या प्रोवाइड कर रही हैं वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है। एंड यू कैन टेक दैट क्लिनिक। और वो जो क्लिनिक है, सबसे अच्छी बात है कि दिल्ली के वन ऑफ द पॉश एरिया में है, मतलब वो जनकपुरी में है क्लिनिक, ठीक है, उत्तम नगर ईस्ट, आई थिंक जनकपुरी मेट्रो स्टेशन और उत्तम नगर ईस्ट जो मेट्रो स्टेशन है उसके ठीक बिल्कुल पास में है वो क्लिनिक, वॉकिंग डिस्टेंस है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर है, काफ़ी बड़ा क्लिनिक है, ठीक है। तो यू कैन सी द वीडियो, आप वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा, वो डिटेल बताई है, मुझे वीडियो सेंड किया था। और इफ़ आप में से किसी को ऐड करवाना हो अपने डेंटल क्लिनिक का, ठीक है, टू ग्रो योर डेंटल क्लिनिक, तो यू कैन सेंड मी योर ऐड टू। सो चलो फिर देखते हैं वीडियो, ठीक है। Hello everyone, welcome to the clinic. This is our reception area as well as the waiting area for the patient. Here we have the water dispenser, then we have the waiting area here, and on the right side we have two chairs and that, and here we have the inbuilt AC and the exhaust fan. Now slowly we will move to our operatory room. This is the reception. Now we enter toward the operatory room. Here on the right side we have the doctor's consultation chair, table and the two patients chair. Here we have our LCD where we show the patient proper treatment plan, proper diagnostic, proper their x-ray explanation, and for the pedo patients we have the cartoon or to keep the patients busy, all things. Then we enter, we have our dental chair which is of GE 102. This chair has itself the inbuilt compressor, the inbuilt scaler unit, the inbuilt suction unit. We don't need anything extra with this chair. The chair has very minimal sound production, no noise. Then we come to our x-ray unit. We have the x-ray unit of the Kodak X-ray CS. Then it's a DC X-ray unit which has very minimal radiation exposure, which keeps the doctor as well as the patient out of radiation. Then we have, this is the operatory area, and here we have the washing area for the hand wash area. Then here we have our UV chamber. Then we have a B-class autoclave. It's a GDP enclave, 22 liters, B-class autoclave. After the auto-clearing the instruments, we keep the instrument in a UV chamber. Then we have the proper storage space made. There is the operatory area. We have like 6 drawers and 8 to 9 chambers for the storage of material. And we have all exceptionally 9 fields drawers to be keep the material separate and find it easy. Then सो अगर आपको वीडियो समझ में आया, क्लिनिक के बारे में चीज़ें आपको समझ में आई, या फिर कोई क्वेरीज है आपकी कि हाँ मैम क्या रेंट होगा, कैसे करना है, जो भी एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू आस्क, तो मैंने डायरेक्टली नंबर दे दिया है, जो क्लिनिक की मैम है उन्हीं का, जो डॉक्टर है उनका मैंने आपको नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, ठीक है। आराम से कॉल करो, उनसे बात करो, अगर आपको लगता है कि यू नीड दैट क्लिनिक तो यू कैन, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर।